नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 बड़ी खबरें जिन पर इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें वो 8 खबरें कौन सी, 8 तस्वीरों के जरिए आपको बता दें। सबसे पहले बात करेंगे जापान की, जहां 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। यहां जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दूसरी बड़ी और अहम खबर राजस्थान की, जहां पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। आज अजय माकन और खड़गे सोनिया गांधी को लिखित रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। तीसरी खबर में आज हम बात करेंगे, दिल्ली में बीजेपी के नव नियुक्त प्रभारियों की बैठक थी। ये बैठक संगठन महामंत्री बीएल संतोष लेने वाले हैं, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। चौथी अहम खबर बात कर्नाटक की, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रपति कई कार्यक्रम का यहां पर उद्घाटन करने वाली है। पांचवी खबर में हम बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे की, जिसका आज दूसरा दिन है और यहां शाह ईएसआईसी हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे। छठी खबर पंजाब से है, जहां विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाया गया है, जिसमें पराली जलाने, जीएसटी और बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सातवीं खबर की बात कर ले तो अब सातवीं खबर में सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ में होने वाली सुनवाई का आज सीधा प्रसारण किया जाएगा। संविधान पीठ के समकक्ष होने वाली सुनवाई की लाइव स्क्रीनिंग की जाएगी। आठवीं खबर महाराष्ट्र से है, जहां शिवसेना के चुनाव चिन्ह के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो यार बड़ी खबरें आपको बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, जिन पे आज इस बुलेटिन में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए, राजस्थान कांग्रेस में कलह के बाद पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से मिलने के बाद अजय माकन ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और मैंने राजस्थान में हमारी बैठकों के बारे में कांग्रेस प्रमुख को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमसे लिखित रिपोर्ट मांगी गई, हम उन्हें आज रिपोर्ट देंगे। अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की स्पष्ट राय थी कि सभी विधायकों से चर्चा की जाए, विचार विमर्श के बाद ही पार्टी अध्यक्ष फैसला करेंगी। तो राजस्थान में सियासी संग्राम लगातार जारी है और ऐसे में आज कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखित रिपोर्ट सौंपी जाएगी और बताया जाएगा कि राजस्थान में क्या हालात बने हुए हैं। जिस तरह विधायकों की नाराजगी का दौर देखा गया, इस्तीफों की छड़ी देखी गई, ऐसे में जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे जयपुर, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हुई, जिसके बाद वापस दिल्ली लौट आए और आज लिखित रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी और उन्हें हालातों से अवगत कराया जाएगा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की ओर से नियुक्त कई राज्य के केंद्रीय प्रभारियों के साथ बैठक कर सकते हैं और आगामी लोकसभा चुनाव सहित अगले साल होने वाले कई राज्य के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा कर सकते हैं। बता दें कि नड्डा ने इस महीने की शुरुआत में पार्टी के केंद्रीय प्रभारियों और प्रमुख नेताओं को राज्य और संघ शासित प्रदेशों का प्रभार सौंपा था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में सभी प्रभारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़े के दौरान आयोजित कार्यक्रम के साथ ही राज्य में चलाए गए संगठनात्मक अभियान के बारे में जानकारी देंगे। तो तीसरी बड़ी और अहम खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, जिसके बाद टोक्यो के अकासाका पैलेस में अभिवादन का अवसर होगा।
विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि करीब 12 से 16 घंटे की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा के साथ मुलाकात और द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। राजकीय अंतिम संस्कार के दौरान मोदी आबे की पत्नी से मुलाकात कर निजी तौर पर शोक प्रकट करेंगे। उन्होंने जानकारी दी है कि 20 से ज्यादा राष्ट्र अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष समेत 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के अंतिम संस्कार में शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जापान जाएंगे। पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय सत्र आज बुलाया गया है, जिसमें पराली जलाने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और पावर सप्लाई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान विपक्ष कथित अवैध रेत खनन, सतलुज यमुना लिंक नहर और कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को उठा सकता है, जिससे सत्र में हंगामा होने की आशंका है। विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की तमाम तैयारियां की जा चुकी है। एक दिवसीय ये विशेष सत्र बुलाया गया है। महाराष्ट्र में जून में सत्ता पलट के बाद शिवसेना पार्टी पर कब्जे की जंग जारी है। ये मामला चुनाव आयोग के विचाराधीन है, लेकिन असली शिवसेना का सवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत आज इस मामले में सुनवाई करेगी। शिंदे गुट ने आयोग से गुहार लगाई है कि क्योंकि उसके पास पार्टी के अधिकतर सांसद और विधायकों का समर्थन है, इसीलिए पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी धनुष और तीर उससे मिलना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन सुबह 10:50 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कलोल में 150 बेड वाले ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा शाह के वेजलपुर में एक एएमसी कार्यालय का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रासायनिक उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया, भारत सरकार के श्रम और रोजगार एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई मंत्री उपस्थित रहेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई पहल करते हुए आज से संविधान पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का फैसला किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित द्वारा 20 सितंबर की शाम बुलाई गई एक फुल कोर्ट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। जानकारी के मुताबिक ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। ये भी जानकारी मिली है कि शुरुआत में सुनवाई यूट्यूब के जरिए लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। देश के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जल्द ही अपना लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होगा, जिस पर कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाएगा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन करेंगे। इस खास मौके पर वो वर्चुअल रूप में जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की आधारशिला भी रखेंगी। इस दिन राष्ट्रपति सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी और उनके सम्मान में कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु में आयोजित एक नागरिक स्वागत समारोह में भी भाग लेंगी। राष्ट्रपति भवन से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति के दौरे के आखिरी दिन यानी 28 सितंबर को वो 1-2 कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिल्ली लौट आएंगी। तो कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज बेंगलुरु को सौगात भी देंगी राष्ट्रपति।
तो 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना की भर्ती रैली कराई गई। ये भर्ती प्रक्रिया एआरओ की तरफ से हैदरबैग पट्टन में भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दोनों जिलों के लिए भर्तियां की गई। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहली बार इस योजना के तहत भर्तियां की गई हैं। भारतीय सेना की तरफ से उम्मीदवारों को एडवाइस भी दी गई, जिसमें कहा गया कि भर्ती में शामिल होने के लिए इच्छुक युवा 10वीं की मार्कशीट लेकर जरूर आए, ताकि भर्ती प्रक्रिया के बाकी दिनों में आसानी से वेरिफिकेशन किया जा सके। तो अग्निवीर योजना का यहाँ पर देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज़िलों में युवा जो हैं उनमें उत्साह देखा गया, इसमें शामिल होने के लिए पहुँचे, देश की सेना में सेवाएं देने के लिए अग्निवीर योजना के तहत यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई थी, जहाँ पर इस आयोजन में भारी संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग किया और उनका उत्साह देखते ही बनता था। भर्ती में शामिल होने के लिए भारी संख्या में युवा वहां पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर लद्दाख के दो जिलों के लिए भर्तियां निकाली गई थी। नवरात्र का त्यौहार चल रहा है, जिसमें देवी की आराधना की जाती है। भारतीय सेना भी इस त्यौहार को अपने तरीके से मना रही है। इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर प्लेन उड़ाने की जिम्मेदारी महिलाओं को दी और महिला पायलट भी पूरी जिम्मेदारी से प्लेन उड़ा रही हैं। तरफ देश में शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे में महिला पायलट्स ने फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। महिला पायलट्स ने फाइटर प्लेन उड़ाया। असम के तेजपुर का मामला, जहां पर भारतीय वायुसेनाओं ने भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये पहल की। महिला पायलट के द्वारा यहां पर फाइटर प्लेन उड़ाए गए। देश में शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, जिसमें देवी की आराधना की जाती है। भारतीय वायुसेना भी इस त्यौहार को अपने तरीके से मना रही है। इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर प्लेन उड़ाने की जिम्मेदारी यहां महिलाओं को सौंप दी और महिला पायलट भी पूरी जिम्मेदारी से इन फाइटर प्लेन्स को उड़ा रही हैं।
क्रॉस रोड नहीं चल रहा और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना की ओर से ये सराहनीय पहल कही गई। इसमें महिला पायलट्स ने फाइटर प्लेन्स को उड़ाया और एक तरफ देखिए देवी की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें आई जिन्हें देखकर महिलाओं में उत्साह बढ़ा, उत्साह से लबरेज नजर आई, क्योंकि ये तस्वीरें अलग थी। जब महिलाओं को फाइटर प्लेन उड़ाते हुए देखा गया, एयरफोर्स की तरफ से ये पहल की गई, आगरा में लंपी वायरस को लेकर पशुओं का वैक्सीनेशन तेजी से किया जा रहा है ताकि पशुओं को लंपी वायरस से बचाया जा सके। पशुओं को लंपी से बचाव के लिए डॉक्टर्स की टीम गांव-गांव जाकर पशुओं को वैक्सीन दे रही है। आगरा के 48 गांव के 2305 इन्फेक्टेड पशु हैं। 1,75,000 डोज भेजी गई हैं, जिनमें से 1,73,000 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आगरा में लंपी वायरस को लेकर पशुपालकों और किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। अब तक 402 पॉजिटिव केसेस आ गए हैं। गनीमत है कि अभी तक लंपी वायरस से एक भी गाय की मौत नहीं हुई है। लंपी वायरस के लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये पशुपालन विभाग की टीम आई हुई है और ये देख रही है, लंपी जो रोग चल रहा है गायों में, इससे भारी नुकसान हो रहा है गायों को, काफी पशु मर चुके हैं और अब स्वास्थ्य विभाग टीके लगा रहा है और कुछ पशुओं को आराम है, आराम मिला है। ये गाय में जो बीमारी फैली है बहुत भयंकर बीमारी है, पहले भी टीम आपकी इनकी आ चुकी है, आज भी आई है, टीकाकरण भी हो गया सबका, लाभ भी है और जो दवाई वगैरह जो बताया है उनको भी ट्रीटमेंट हो रहा है और स्वास्थ्य में बहुत फायदा हो रहा है। दवा बता के भी जा रहे हैं और वैसे भी एक अपने दो बार देख जाते हैं, पहले भी टीम आ चुकी है, आज भी आई है, टीकाकरण सबका हो गया है। लंपी वायरस के बारे में इतना ही है कि हमारे यहाँ जो है वैक्सीनेशन जो है युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और हमें अभी 1,75,000 वैक्सीन लगी थी, जिसमें से 1,73,300 हमारी कल तक लग चुकी है, आज करीब 8,000-9,000 आज भी लगेगी। आसपास के जो पशु हैं उन्हें अफेक्टेड माना जाता है, तो जिसमें से करीब 2,000 जो पशु हैं उन गांव के, इन 48 गांव में 2,305 वो पशु हमारे इतने सुसेप्टिबल हम मानते हैं उस गांव के। हालांकि जो हमारे केस आए हैं वो करीब जिनमें पॉजिटिव आया वो 402 हैं। उधर हैदराबाद में जोरदार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। भारी जल जमाव की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़कों पर पानी भरने की वजह से वाहनों को गुजरने में दिक्कत हो रही है। लोगों को मजबूरन सड़कों पर भरे पानी में से होकर निकलना पड़ रहा है। सड़कों पर लोगों को रास्ता दिखाते सुरक्षाकर्मी भी नजर आ रहे हैं। बारिश से एक तरफ लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं तो दूसरी तरफ लोग सड़कों पर भरे पानी में तैराकी करते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हैदराबाद और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें दुगनी हो चुकी हैं। तो देखिए किस तरह से सड़कों पर जल जमाव देखने को मिल रहा है। हैदराबाद की तस्वीरें, बारिश से दरअसल सड़कें तालाब बन चुकी हैं। ऐसे में कोई हादसा ना हो जाए इसके लिए टीम भी लगातार सड़कों पर मौजूद है। तब तक ये जल निकासी की समस्या जो है इससे इसका समाधान नहीं हो जाता है, लेकिन जिस तरह से ये जल जमाव देखने को मिल रहा है उसने आम जनता की जिंदगी पर ब्रेक जरूर लगा दिए हैं। पानी से होकर गुजरने को लोग मजबूर हैं, सड़कें तालाब बन चुकी हैं। एक तरफ आम जन को इस जल जमाव में किसी भी हादसे से बचाने की जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर है,
तो दूसरी तरफ इस जल की निकासी का भी समाधान करना भी प्रशासन के ऊपर, ऐसे में टीमें लगातार मौजूद हैं, तैनात हैं। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नशे के कारोबारियों को चेतावनी दी और विज ने कहा कि तस्कर हो या हरियाणा में नशे का कारोबार करना हो, या तो आप हरियाणा छोड़ दें या फिर नशा छोड़ दें। विज ने कहा कि जिस किसी ने भी नशे के कारोबार से संपत्ति बनाई है, हम सभी पर कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ गृह मंत्री ने कहा कि मेरे बुलडोजर सभी जिलों में तैयार खड़े हैं। बिल्कुल होंगे, ये जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, नशा ले रहे हैं या नशा बेच रहे हैं, ये इस कारोबार को छोड़ दें या मेरा हरियाणा छोड़ दें, हम इनको रहने नहीं देंगे। हमने सब जगह टीमें बना दी हैं और जो इन्होंने नशे के कारोबार से पैसा कमाया है उससे जो जो जहाँ जहाँ संपत्ति बनाई है, हम उस सारे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद बस्ती दौरे पर रहे, मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजभर भैया को समझना तो बहुत कठिन है, राजभर भैया का पैर एक जगह रहता ही नहीं है, बीजेपी के साथ थे तो हीरो हो गए। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि जो घर में तोड़फोड़ मची पहले उसे संभालें और अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करें। खबर यूपी के कासगंज से है, जहां ग्राम समाज की जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा किया। हैरत की बात तो यह है कि प्रशासन ने 3 दिन में जगह खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया, लेकिन आज नोटिस चस्पा हुए 20 दिन हो गए हैं, लेकिन दबंग कब्जा हटाने को तैयार नहीं है और नोटिस चस्पा होने के 20 दिन के बाद भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। ग्राम प्रधान अधिकारियों के लगातार चक्कर काट रहा है, ग्राम प्रधान तहसील अधिकारियों की भूमिका को भी संदिग्ध बता रहा है।